रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अभी अभी मार्वल फैंस के सर पर बॉम्ब फोड़ दिया है अपने रिटर्न के अनाउंसमेंट को लेकर। सब बताता हूँ यार, मुझे पता है कि बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एवेंजर्स एंड गेम के बाद वापस आएंगे भी कभी कि नहीं आएंगे। एंड रिसेंटली हमें ये पता चला कि वो एक्चुअल में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में आयरन मैन के एक नए वर्जन के तौर पर वापसी कर सकते हैं, लेकिन फिर ओपेनहाइमर आ गई और आरडीजे ने एक ऑस्कर अपने नाम करके ये प्रूव कर दिया कि भाई एक्टिंग स्पिरिट उनकी अभी भी वैसी की वैसी ही है। डॉक्टर डूलिटिल जैसी नॉर्मल मूवीज में उन्हें एक्टिंग करते देखकर काफी लोगों ने यह भी बोला कि अब आरडीजे शायद आयरन मैन का आइकॉनिक रोल उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों ने ऐसा बोला बिकॉज मार्वल मूवीज में एक्टिंग करना और एक दूसरी किसी नॉर्मल मूवी में एक्टिंग करना भाई दो बहुत अलग अलग बातें। बट ऑस्कर जीतकर उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया और अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ये कहा कि वो मार्वल मूवीज में वापस आना चाहते हैं एंड वापस आकर उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सब बताता हूँ, बने रहना, मैं हूँ हिमांशु एंड आरडीजे इज अबाउट टू रिटर्न। आज की वीडियो सीरियसली सारे आयरन मैन फैंस का दिमाग घुमा देगी बिकॉज ये देखो, ये इन्फिनिटी वॉर के सेट की एक फोटो है जिसमें बेनेडिक्ट कंबरबैच डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि आयरन मैन है। यानी ये सीन मल्टीवर्स का है और इसमें आरडीजे आयरन मैन नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सूट में है। सो इफ डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन बन सकता है तो आयरन मैन यानी आरडीजे डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों नहीं बन सकते, इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। हाल ही में आरडीजे ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बुरे दिनों के बारे में भी बताया, जिसमें वो एक ड्रग एडिक्ट थे, कैसे वो उस फेस से बाहर निकले और आगे जाकर आयरन मैन बने एंड फिर ओपेनहाइमर में ऑस्कर जीता। ऑल्दो मेरे हिसाब से अगर आरडीजे को ऑस्कर मिलना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार्क के रोल के लिए। एनीवेज तो अब सोचो कि थॉर को उसकी फोर्थ मूवी मिली मार्वल में, थॉर 5 तो आ ही रही है, कैप्टन अमेरिका 4 भी आ रही है, तो अगर इन सारे सुपर हीरोज की फोर्थ मूवीज आ चुकी हैं या आने वाली हैं तो यार जो मार्वल का सबसे चहेता सुपर हीरो आयरन मैन है उसकी फोर्थ मूवी क्यों नहीं बनी। रीजन ये था दोस्तों कि मार्वल तो मूवी बनाना चाहता था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में डिज्नी भी शामिल था एंड जो ह्यूज पेमेंट रॉबर्ट डाउनी जूनियर लेते थे आयरन मैन के रोल के लिए भाई, एक तो वो दूसरे एक्टर से बहुत ही ज्यादा थी एंड डिज्नी को ये चीज कतई पसंद नहीं आ रही थी कि उन्हें इतना ज्यादा पे किया जाता है। एंड एक और सीक्रेट बात बता दूं कि आरडीजे ये नहीं चाहते थे कि एंड गेम में आयरन मैन मारा जाए, लेकिन ऐसा हुआ। सेट पर आरडीजे दूसरे एक्टर्स के साथ बहुत मजे से रहते थे, उन्होंने खुद बोला है कि मार्वल मूवीज के सेट पर उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता था एंड वो इसे मिस भी करते हैं। एंड केविन फाइगी खुद नहीं चाहते थे कि आयरन मैन एंड गेम में निपट जाए, बट डिज्नी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो कि केविन फाइगी से भी ऊपर के लेवल पर बैठते हैं, उन्हें आरडीजे को दी जाने वाली पेमेंट को लेकर कुछ इश्यूज थे, तो दैट्स व्हाई उन्होंने एंड गेम में इस एंडिंग को ओके कर दिया। बिकॉज आपको बता दूं दोस्तों, एंड गेम में एक और अल्टरनेट एंडिंग तय की गई थी जिसमें आयरन मैन मरा नहीं था बल्कि उसकी जगह कैप्टन ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहना और वो स्नैप करके मर जाते। एंड कैप ही क्यों, बिकॉज कॉमिक्स में ऐसा ही हुआ था, पहले कैप ने थॉर का हैमर चलाया था और उसके जस्ट बाद इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहना था एंड सेम चीज एंड गेम के एंड में होने वाली थी, एक अल्टरनेट एंडिंग थी, बट डिज्नी वालों के चुल्ल के चलते ये चीज नहीं हो पाई एंड कैप्टन की जगह आयरन मैन मारा गया। तो ये तो था रीजन कि आयरन मैन जैसा इंपॉर्टेंट सुपर हीरो ही क्यों मरा एंड गेम में। अब बताता हूँ वो वापस कैसे आ रहे हैं। वैसे मजा आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दो फिर। ओके, सो केविन फाइगी ने ये ऑफिशियली बोल दिया है कि उनका आयरन मैन के इस स्पेसिफिक वर्जन को वापस लाने का कोई प्लान नहीं है। बस इसी एक लाइन में सारी कारस्तानी छिपी हुई है। इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि आयरन मैन का एक नया वर्जन मल्टीवर्स से वापस आएगा जिसे प्ले आरडीजे ही करेंगे। इसी बहाने आयरन मैन कैरेक्टर को एक फ्रेश आउटलुक मिल जाएगा विद द सेम ओल्ड आरडीजे वाइब। अब देखो, एंड गेम जितनी बड़ी मूवी की एंडिंग ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में लोग कई सालों तक बातें करें, और ऐसा हुआ भी। आज भी देखो हम लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं ना। वेल तो दोस्तों, मार्वल ये चाहता था कि एंड गेम में टोनी के सैक्रिफाइस के इमीडिएटली बाद अगर टोनी को वापस वो मान लो ले भी आते हैं, उसे रिजरेक्ट कर देते हैं, तब मजा नहीं आएगा क्योंकि फैंस फिर सोचेंगे यार सैक्रिफाइस का क्या ही मतलब बना। ऐसे में अब क्योंकि हम मार्वल के इन्फिनिटी सागा से निकलकर मल्टीवर्स सागा में आ चुके हैं जहां जब जो चाहे सुपर हीरो मल्टीवर्स से वापस आ सकता है किसी दूसरे वर्जन वेरिएंट के फॉर्म में, इसीलिए अब मार्वल आयरन मैन को दूसरे वेरिएंट के फॉर्म में सीक्रेट वॉर्स में लाने की प्लानिंग कर रहा है। एंड अब ऑस्कर जीतने के बाद आरडीजे ने ये तो दिखाई दिया कि वो मार्वल मूवी हो या कोई भी मूवी हो, उसमें एक्टिंग तो नेक्स्ट लेवल कर ही सकते हैं। ऐसे में अब डिज्नी भी, जिसे पहले आरडीजे को बहुत बड़ी पेमेंट देने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसने भी अब ऑस्कर के बाद आरडीजे की जो भी हाई फीस है उसे ओके कर दिया है। ऑस्कर से पहले इफ आरडीजे आयरन मैन के रोल में वापस आते तो उन्हें सिर्फ 3-4 मिनट के कैमियो सीन के लिए लाइक
$10 million मिलते, बट वहीं अब क्योंकि उन्हें ऑस्कर मिल चुका है तो ऐसे ही छोटे से मतलब 2-3 मिनट के कैमियो के लिए उनकी फीस अब जस्ट डबल हो जाएगी, यानी 2-3 मिनट के कैमियो के लिए $20 million। और क्योंकि केविन फाइगी ने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक का रोड मैप तैयार कर ही लिया है, एंड जैसा कि मैंने पिछली एक वीडियो में बताया ही था कि ह्यूज जैकमैन वुल्वरीन के रोल में सीक्रेट वॉर्स तक तभी जाएंगे जब टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन और आरडीजे एज आयरन मैन वापस आएंगे, ये उनकी शर्त थी प्रॉपर मार्वल से। एंड हाँ, अगर आपने 90s की स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज देख रखी है तो उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था जिसमें स्पाइडी एवेंजर्स से लेकर वुल्वरीन को बुलाता है, तो केविन फाइगी अब सीक्रेट वॉर्स में भी चीजों को कुछ उसी तरह से प्ले आउट करना चाहते हैं। और तो और भाई, दिमाग घूम जाएगा आपका ये जान के कि मार्वल मे बी आरडीजे को आयरन मैन के रोल में वापस ना लाकर डॉक्टर स्ट्रेंज बना दे, या फिर लाइक सुप्रीम स्ट्रेंज की फॉर्म में ला दे, लाइक किसी और यूनिवर्स में आरडीजे आयरन मैन ना होकर सुप्रीम स्ट्रेंज हो, तो मार्वल ऐसा भी कर सकता है क्योंकि ये सीन्स शूट हो चुके हैं एंड डिलीट भी किए जा चुके हैं। मार्वल सीक्रेटली एक सॉफ्ट रिबूट करता जा रहा है जिसे पता हम फैंस नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। मैं बताऊं कैसे, जैसे अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन में ह्यूज जैकमैन तो आएंगे ही आएंगे, बट उनके साथ साथ दूसरे नए वुल्वरीन्स भी आएंगे, यानी एक तरह से नए वुल्वरीन एक्टर्स को मार्वल इंट्रोड्यूस कर देगा फैंस के सामने। बट फैंस गुस्सा ना हो जाएं, इसीलिए मार्वल ने ह्यूज जैकमैन को भी बुला लिया, बट सीक्रेट वॉर्स के बाद ह्यूज जैकमैन का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा खत्म, एंड फिर जो नए वुल्वरीन जो कि अभी आने हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन में, उन्हीं में से कोई एक आगे जाकर यानी सीक्रेट वॉर्स के बाद नया प्रॉपर मेन वुल्वरीन बन जाएगा। सेम इसी तरह से मार्वल आरडीजे को एक बार और सीक्रेट वॉर्स में लाएगा, जरूर से लाएगा, बट उसके बाद इसी सॉफ्ट एंड सीक्रेट रिबूट के चलते वो इवेंचुअली एक नया आयरन मैन भी कास्ट कर लेगा, ऑल्दो उसे देखने हम जाएंगे या नहीं ये बात अलग है। सो कमेंट करके मुझे बताओ कि एंड गेम में टोनी की जगह इफ कैप्टन स्नैप करते तो वो बेटर होता या यही वाली एंडिंग बेटर थी। प्लस चैनल को सब जरूर से कर लेना ताकि मार्वल एंड डीसी एंड अदर जितनी भी मूवीज है उनकी सारी लेटेस्ट इनसाइड न्यूज आपको सबसे पहले मिले। सो गाइस बी सेफ, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।